गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आप लोगों के सामने यूट्यूब के माध्यम से अगेन वन वीक के बाद आए हैं। इसका कारण आप लोग खुद ब खुद जानते हैं, जो आज जो जिस तरह से इस नेचर में हालात बना हुआ है उसमें कहने की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन मैं अभी भी इस सब में कोई विश्वास नहीं रखता हूँ। ये आना और जाना किसी पॉलिटिकल के हाथ में नहीं है, किसी मानव के हाथ में नहीं है। भले ही इसको राजनीतिक तुल दिया जा रहा हो, लेकिन ये सब का सब एक नेचर का लीला कहिए, नेचर का परफॉर्म कहिए, बस यही है। इसीलिए बिना टेंशन पर हैं। अब आप कहेंगे जो सर अचानक आप क्यों छोड़ के चले गए, आप इतना ही समझें, जो कुछ लोग अपने लिए जीता है और कुछ अपनों के लिए जीता है, समझ गए ना बात। तो इसीलिए जो है कुछ मैनेज करना पड़ता है जीवन में। तो आज हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। शायद हम लोग अब तक फिनिश कर लिए जाते एक न्यू टॉपिक का बात करते, लेकिन फिर भी मेरा ये प्रयास रहेगा जो किस तरह से डैमेज कंट्रोल हो, क्योंकि बस मेरा मकसद है जो हमसे कनेक्टेड बच्चे को जितना संभव हो सके बेनिफिट देना है, उसको समझाना है। तो हम लोग प्रयास करेंगे डैमेज जो भी हुआ है उसको मैनेज करेंगे। तो अभी तक जो हम लोग इससे पहले डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर और ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, दो बात इम्पोर्टेंस किए। उससे पहले हम लोग बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोज लॉ, लेकिन उस सभी में कहे थे P1V1/N1T1=P2V2/N2T2। ये जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ये पर्टिकुलर एक साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। इसमें इन्वॉल्व थे मैक्सवेल साहब, इसमें इन्वॉल्व थे वैंडरवाल साहब, इसमें इन्वॉल्व थे लुसियंस, तो बहुत सारे को साइंटिस्ट मिलकर के ये दिए हैं। ये जो हम लोग इससे पहले जो एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट समझे, जो यदि प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटेगा, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, ये जितने भी हम लोग मेजरमेंट किए ये गैस के बारे में, उसको थ्योरेटिकली पॉइंट आउट कर दिया गया है, पोस्टुलेट कर दिया गया है। जैसे मान लिया जाए आज किसी को भी सर्दी खांसी हो तो आप जाइए टेस्ट कराने के लिए, आप पक्का आपको कोरोना पॉजिटिव कर दिया जाएगा। देश में सबसे बड़ी मूर्खता है ये टेस्ट कराना। यदि टेस्ट ना हो तो आज देखिए ये कोरोना का पॉजिटिव निगेटिव में बदल जाएगा। लेकिन सब लोग थोड़ा सा फीवर लगा, अरे बाबा मुझे कोरोना हो गया, जाए टेस्ट कराने के लिए। अरे एक फीवर क्या, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है और वे यदि टेस्ट करा ले तो आज के समय में उसको कोरोना पॉजिटिव घोषित कर दिया जाएगा। इसीलिए जितना भी संभव हो अपना घर में रहें, कभी टेस्ट उस्ट कराने की जरूरत नहीं है। यदि बेटा गए टेस्ट कराने के लिए तो फंस गए कोरोना पॉजिटिव में, और कोरोना पॉजिटिव में फंसे तो पोलोथीन में बांध करके और जला दिया जाएगा। इसीलिए ये सब का सब एक देश का पॉलिटिक्स है और कुछ नहीं है, मैं इसका सख्त विरोधी हूं। तो ये जो जिस तरह से आपको कहे जो थ्योरी, आजकल अलग अलग थ्योरी दिया रहा है ना, आप तुलसी लीजिए, नमक लीजिए, नींबू लीजिए, अरे क्या क्या नहीं चला है, हैं? ये थ्योरेटिकल, कोई प्रैक्टिकल की बात नहीं है, जो क्या होता है वो कोई नहीं जानता। इसी तरह से ये थ्योरेटिकल का जो बात करने जा रहे हैं, जितना भी इससे पहले एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन किया गया, ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन को काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी ये जो प्रॉपर्टीज है उस प्रॉपर्टीज को हम लोग पोस्टुलेट के फॉर्म में, एक थ्योरेटिकल फॉर्म में कैसे याद रखेंगे, ये बात कहा गया। तो पहले
उस पोस्टुलेट को आपके सामने लाते हैं, उसके बाद जो है आप देखेंगे क्या क्या है। तो ये जो पोस्टुलेट है ये दिया गया था मैक्सवेल, बोल्ट्जमान एंड भेंडर वाल के द्वारा मेनली, और भी साइंटिस्ट थे लेकिन मेनली इन तीन का बात हम करेंगे आज चर्चा। वेरियस पोस्टुलेट, पोस्टुलेट मतलब प्रस्ताव, मानना। ए गैस कंसिस्ट लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल आइडेंटिकल मॉलिक्यूल ऑफ पॉइंट मास। जैसे ही कहा जाए गैस है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल होगा, ये मॉलिक्यूल स्फेरिकल होगा, स्फेयर समझते हैं ना, इस तरह का ये स्फेयर होगा, गोला होगा, और वे सभी का सभी एक जैसा होगा, और सभी का मास पॉइंट मास होगा, मतलब मास निकली जेबल जैसा होगा। द साइज ऑफ दीज मॉलिक्यूल इज सो स्मॉल दैट देयर एक्चुअल वॉल्यूम इज निग्लिजेबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। यानी क्या कहा गया, यदि हम एक मॉलिक्यूल गैस का वॉल्यूम बात करें तो वे जो वॉल्यूम होगा वे टोटल वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में निग्लिजेबल होगा। और हम जानते हैं जो गैस का वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर होता है, तो वही बात कहा गया जो एक मॉलिक्यूल जो गैस होगा उसका वॉल्यूम यदि आप बात करते हो तो निग्लिजेबल होगा। देयर इज नो अट्रैक्शन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी गैस मॉलिक्यूल के बीच किसी टाइप से कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। ये सब का सब हम लोग ये जो पहले जो बॉयल्स चार्ल्स लॉ बात किए एक्सपेरिमेंटली, उसके आधार पर हाइपोथेसिस दिया जा रहा है, इमेजिनेशन दिया जा रहा है, जो गैस में इस तरह का क्राइटेरिया होता है। क्या क्या अभी सीखे, जो गैस मॉलिक्यूल आइडेंटिकल स्फेरिकल पॉइंट मास होता है, गैस मॉलिक्यूल का एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल की अपेक्षा निग्लिजेबल होता है, और गैस में किसी प्रकार से कोई अट्रैक्टिव फोर्स यानी दो गैस मॉलिक्यूल के बीच कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और भी पोस्टुलेट आपको देते हैं। तो हम लोग अगेन देखें ये जो पोस्टुलेट है, ये आइट पोस्टुलेट, मॉलिक्यूल्स आर मूविंग रैंडमली इन ऑल डायरेक्शन। यदि एक कंटेनर में गैस रखते हैं तो हमेशा क्या करेगा, वे रैंडम मूव करेगा। मान लिया जाए ये कंटेनर है और इस कंटेनर में गैस मॉलिक्यूल है, तो वे हर समय इस तरह से रैंडम मोशन में होगा, जिगजैग मोशन में, इसी को जिगजैग मोशन भी कहा गया है। रैंडम मोशन कह दे या क्या बोलिएगा, जिगजैग मोशन, मोशन। देयर डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज ओनली ऑन कोलिजन। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं, मान लिया जाए यहां से चला फिर यहां से इधर की तरफ मूव हुआ, तो इधर की तरफ इसलिए मूव हुआ क्योंकि फिर फर्दर कोई गैस मॉलिक्यूल कोलाइड कर गया। तो सबसे पहली बात, जो एक कंटेनर में गैस है, यदि रूम में है, रूम में गैस मॉलिक्यूल, तो हर समय रैंडम मोशन में चलते रहता है, जिगजैग मोशन में चलते रहता है, ये सब का सब एजम्पशन है। द मॉलिक्यूलर कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, देयर इज नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटा ऑफ मॉलिक्यूल। यानी यदि हम लोग इस दो पार्टिकल को टकरावे और टकराने के बाद और टकराने से पहले उसका क्या कंजर्व बढ़ जाए, काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी ज्यों का त्यों रहे, एनर्जी में कोई फर्क ना पड़े, तो उसको किस नाम से जाना गया है, परफेक्टली इलास्टिक। और जैसे ही एनर्जी चेंज हो जाए तो ये बन गया इन इलास्टिक,
तो क्या कहा गया, जो ये जो गैस मॉलिक्यूल है, ये रूम में कहिए या किसी कंटेनर में कहिए, जो हर समय जो रैंडम मोशन होते रहता है, तो ये मोशन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है। द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। एवरेज काइनेटिक एनर्जी हम लोग आगे देखेंगे, काइनेटिक एनर्जी कैसे, अभी इसे थ्योरेटिकली समझिए। जैसे ही कोई पार्टिकल मोशन में आता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है, तो कहा गया कि ये काइनेटिक एनर्जी जो होगा वे प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब हम यूं कह रहे हैं यहीं पे, जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी गैस मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। देयर इज नो इफेक्ट ऑन ग्रेविटी ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। ये मॉलिक्यूलर मोशन ग्रेविटी से, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से इंडिपेंडेंट है। यदि ये डिपेंड करता तो सारा का सारा मॉलिक्यूल रूम में जितने भी गैस मॉलिक्यूल है वे सब का सब फर्श पे आ जाता फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण। तो इसीलिए कहा गया जो ये गैस मॉलिक्यूल का जो मोशन है ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी से इंडिपेंडेंट है। द प्रेशर ऑफ गैस ड्यू टू बम्बार्डनेस ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। समझे बात को, यानी जैसे बैलून में आप बैलून भरते हो ना, तो बैलून में एयर है फिर, तो उसमें जो प्रेशर है वे प्रेशर किसके बीच, तो गैस मॉलिक्यूल और वॉल के बीच टकराने से। ध्यान दे, गैस मॉलिक्यूल और वॉल के बीच टकराने से, गैस गैस से टकराने के बीच कोई प्रेशर डेवलप नहीं होगा। समझे इस बात को, जैसे यहां पे गैस मॉलिक्यूल है तो ये वॉल से टकराएगा तो प्रेशर डेवलप होगा। गैस, दो गैस मॉलिक्यूल टकरा रहा है उससे प्रेशर पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये कितने पोस्टुलेट का बात किए, 8 पोस्टुलेट का बात किए। लेकिन ध्यान दें, अबव ऑल पोस्टुलेट आर ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। तो हम लोग ये बात कर रहे हैं, फिर मिटाएंगे, पहले समझ लीजिए, अबव ऑल पोस्टुलेट यानी 8 पोस्टुलेट बात किया है, वे सब का सब आइडियल गैस के लिए है। बट इन नेचर नो एनी आइडियल गैस, लेकिन प्रकृति में तो कोई आइडियल गैस है ही नहीं। इसका मतलब ये सब का सब एजम्पशन बेकार है, बेकार चीज को हम पढ़ रहे हैं। अब ऐसा नहीं पढ़ना लिखना छोड़ दीजिएगा, यानी पढ़ना है क्योंकि आपके सिलेबस में है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसलिए पढ़ना है। और पढ़ करके आगे का बात मत समझ कोशिश कीजिएगा, जो क्या होता है होता है, एप्लीकेशन है इसमें भी कोई शंका नहीं है। लेकिन हम लोग जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं उसमें कोई इसका एप्लीकेशन नहीं है। क्या समझे, जितने भी पोस्टुलेट है वे सब का सब आइडियल गैस के लिए है, लेकिन नेचर में तो कोई आइडियल गैस है ही नहीं। तो अब हम लोग आइडियल गैस कहेंगे किसे, तो जो पीवी बराबर एनआरटी को फॉलो करे, और आगे हम लोग समझेंगे आइडियल गैस के बारे में। तो जरा वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। कर लीजिए, एवर ऑल पोस्टुलेट्स आर वनली वैलिड फॉर आइडियल गैस। ये जितने भी पोस्टुलेट है वे सब का सब किसके लिए वैलिड है, आइडियल गैस के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ एवव एजम्पशन। ध्यान दें, एवव एजम्पशन मतलब ये सब का सब माना गया है। मैक्सवेल यानी कौन, मैक्सवेल डिराइव्ड ए रिलेशन व्हिच इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। उसको हम लोग किस नाम से जानेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन। रटना पड़ेगा पीवी इक्वल टू 1/3 एम एन यू आर एम एस। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इसका प्रूफ वे हायर एजुकेशन में पढ़ना है, ये कैसे आया। लेकिन हम लोगों को यहाँ सिर्फ और सिर्फ रट जाना है जो काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस, ये हम जानते हैं, ये किसके अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार। ध्यान दें, एक है पहले, इससे पहले हम लोग देखें पीवी बराबर एनआरटी, ये कहलाता है गैस इक्वेशन, और ये क्या है, काइनेटिक गैस इक्वेशन। Q
क्योंकि ऊपर में जो भी थ्योरी बात किए वे सब का साफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस बात किए। अब काइनेटिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल कभी भी स्टेबल यानी अस्थाई नहीं रहेगा, वे हर समय रैंडम मोशन करते रहता है। जो भी हम लोग सोचेंगे वे मोशन की स्थिति में ही सोचेंगे, और यदि कोई मूवमेंट करे तो क्या उसमें अट्रैक्शन होगा? नहीं होगा, है ना। तो इस तरह से यानी जो भी हम लोग एजम्पशन बात किए वे सब का सब को एक इक्वेशन के रूप में डिराइव कर दिए, किसने? मैक्सवेल नाम के साइंटिस्ट। क्लियर है? तो अब हम लोग इस पर बात करेंगे, ये पी क्या है, हैं? तो पी कह देंगे परिसर, है ना। और परिसर किसका कहें? तो प्रेशर ऑफ जो भी बात कर रहे हैं वे तो गैस के लिए ना, तो प्रेशर ऑफ गैस। भी क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है। एम क्या है? ध्यान दें, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, समझ गया बात को, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस। ये बात ध्यान देने योग्य है, जो कितने मॉलिक्यूल का? वन मॉलिक्यूल का। और एन क्या है? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये जो एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यू आर एम एस, अब तो हमको राइट साइड लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। यू आर एम एस, इसको कहा गया है रूट मीन स्क्वायर स्पीड। मत पूछ लीजिएगा जो सर ये क्या चीज है, धीरे धीरे आपको मिलेगा। आपको बार बार समझाते हैं, किसी भी टर्म को हम एक्सप्लेन करें तो कुछ ना कुछ वैसा टर्म आ ही जाता है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो अभी इतना ही आप समझें, जो काइनेटिक गैस इक्वेशन पी वी बराबर 1/3 एम एन यू आर एम एस होता है। और ये क्या है, इस दोनों में इतना जो टर्म दिए इसमें ये जो है बहुत इंपोर्टेंस है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हम बात कर लें कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कैलकुलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल, है ना बात। और काइनेटिक एनर्जी गैस मॉलिक्यूल का फाइंड करना है, तो ये फाइंड हम लोग कहां से करेंगे? तो काइनेटिक गैस इक्वेशन से करना पड़ेगा, है ना बात। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन, तो वी नाउ दैट कहेंगे, we know that kinetic gas equation, तो हम क्या जानते हैं, P भी equal to 1/3 m n u r m s का स्क्वायर। अरे वाह, ध्यान दीजिए यहां पे इससे पहले स्क्वायर छूट गया है, इसीलिए स्क्वायर आप लगा लें। ध्यान दें फिर से, ये इससे पहले अभी भी जो फार्मूला लिखे उसमें स्क्वायर छूटा हुआ है, तो स्क्वायर होगा। तो ये इतना होता है। अब देखिए हमको क्या करना है, वेयर वेयर एन इक्वल टू एन ए, पहचानते हैं इसको, एन इक्वल टू क्या मानते हैं, एन ए, और एन ए मतलब 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल।
और ये जो m है, n तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, और m जो है वे क्या कहे हैं, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, m मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा, m इंटू n और n के जगह पे n a इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट के नाम से जाना जाएगा। देखिए बात को, एन ए मतलब क्या, एक होगा रोज नंबर और इसको हम मॉलिक्यूलर वेट के नाम से जानेंगे, जिसको हम यहाँ कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो देखते रहिए, तो हम कह सकते हैं पी भी बराबर 1/3, ये दोनों के जगह पे तो एम आ गया और यहाँ पे यू आर एम एस का स्क्वायर, यानी ऐसा रिलेशन आया। लेकिन हमको तो फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, जबकि इसमें कहीं काइनेटिक एनर्जी हमको दिखाई पड़िए नहीं रहा है, है ना। तो देखिए also we know काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, जानते हैं है? तो आप देखते रहिए, ये बात हम जानते हैं। तो पी भी इक्वल टू 1/3, ध्यान से देखिए, और यहां 2 से ऊपर तो 2 नीचे भी होना चाहिए, देखते रहिए, नहीं तो फिर मत कहिएगा जो सर पता नहीं चला। इतना कर सकते हैं, यानी 2 से ऊपर और नीचे दोनों मल्टीप्लाई कर दिए। अब इतना को तो हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ये हाफ एम भी स्क्वायर, एम जो है यहाँ मास है और भी वेलोसिटी है, चाहे जिसका भी वेलोसिटी हो, जो भी वेलोसिटी हो, भले ही यहाँ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो पी भी इक्वल टू हमको मिटाना पड़ेगा। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, तो करिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और उसके बाद हम खींच करके लाते हैं एक इक्वेशन, देखते रहिए। यही बड़ा बड़ा इक्वेशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यूट्यूब पे, जो मिटाना पड़ता है ना। चलिए तो फिर से एक बार मेरे साथ आ जाइए, पी भी इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी आ गया, काइनेटिक एनर्जी, और ये तो पर मोल का हो गया। क्यों? क्योंकि हम तो मॉलिक्यूलर वेट बात किए हैं और मॉलिक्यूलर वेट तो पर मोल के लिए है, तो काइनेटिक एनर्जी ध्यान दें पर मोल ऑफ गैस, पर मोल ऑफ गैस। तो देखिए, तो कह दीजिएगा 3/2 पी भी, देख लीजिए हैं, 3/2 पी भी हो जाएगा। अब यदि हम 4 1 मोल गैस के लिए बात करें, 4 1 मोल गैस, तो याद है जो पी भी बराबर एन आर टी होता है, और जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, n नंबर ऑफ मोल है, तो p भी इक्वल टू 1 into RT, यानी p भी इक्वल टू क्या कह सकते हैं, RT। देखिए हम अब नीचे मिटा रहे हैं, तो एक इक्वेशन तो ये मिला हमको, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस इक्वल टू 3/2 p भी, और दूसरा इक्वेशन और देखिए, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 3/2, तो जो का त्यों कांस्टेंट है, ये पी भी के जगह पे आर टी रख सकते हैं, तो ऐसा भी प्रॉब्लम सॉल्व किया जा सकता है। तो 1 मोल गैस के लिए हम निकाल लिए। आप फिर देखते रहिए,
फोर हम क्या करते हैं एन मोल गैस, ध्यान से देखिए, फोर एन मोल गैस तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन मोल गैस, ऑफ एन मोल गैस, इतना ही बड़ा लिखें, बड़ा हो जाएगा नहीं एडजस्ट होगा, तो 3/2 एन आर टी आ गया, 3/2 एन आर टी। अब हम लोग फाइंड कर लें काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, हमको तो मिटाना पड़ेगा, मिटाते हैं, चलिए मिटा देते हैं। देख लीजिए आप लोग, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये प्रॉब्लम, ये कॉन्सेप्ट। तो कहेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, तो ये तो एन मोल के लिए है, और हम जानते हैं वन मोल में कितना होता है, 6.022×10²23 मॉलिक्यूल होता है। तो यदि हम ये बात कर लें, ये बात कर लें जो पहले हम याद दिला दें, वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पर मोल गैस तो क्या मिला है, 3/2 RT मिला है, तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल ऑफ गैस, देखते रहिए ध्यान से, इतना और यहाँ RT/NA है ना, R/NA और R/NA को आप कह सकते हैं, यहाँ पे फिर हम लिखते रहे हैं K=R/6.0×10²23, यहाँ पे K का नाम है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है, और ये R का भी वैल्यू जानते हैं 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन, और ये तो हो गया इतना 6.0×10²23। अब ये पर मोल का है, ये पर मोल का है, तो पर मोल तो कैंसिल हो गया, अब जूल पर केल्विन रहा, ठीक है। तो यदि हम लोग इसको सॉल्यूशन करें, ये R/NA है उसको तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट कह दिया गया, अब इसको सॉल्यूशन करने के बाद ये आ जाएगा 1.38×10²-23 जूल बच गया और पर केल्विन। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल यदि कहा जाए तो 3/2 KT, 3/2 KT, जहां पे K क्या है तो बोल्ट्जमान कांस्टेंट है। अब आप कह सकते हैं जो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर इन केल्विन। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए, फिर इस पर न्यूमेरिकल लेते हैं। तो चलिए देखिए सवाल को, पहले वीडियो को पॉज नोट कीजिए और नोट करके पहले ट्राई कीजिए, याद है ना, याद रखो, नहीं तो दे दनादन गुस्सा मत ला रहो, कोरोना काल है। तो कहा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ CO2 गैस एट 27°C इन डिफरेंट यूनिट। डिफरेंट यूनिट मीन्स आप जानते हो जो ये तो एनर्जी है और एनर्जी का यूनिट होता है जूल और कैलोरी, तो वही कहा जा रहा है जो अलग अलग यूनिट में आप बतावें, ठीक है, पॉज करिए, ट्राई कर रहे हैं। चलिए अब हम देखते हैं, देखिए आप
तो कहा जा रहा है कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। देखिए एवरेज टर्म का इस्तेमाल वहां होता है जहां पे एक ही टाइप का यूनिट लार्ज नंबर में हो। तो यदि हम गैस का बात करें तो हमेशा तो लार्ज नंबर में ही होगा, तो इसीलिए ये काइनेटिक एनर्जी पर मोल, काइनेटिक एनर्जी पर मोल क्या मिला है 3/2 RT, यही ना 3/2 RT। तो यदि हम 3/2 RT को सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा कि नहीं आएगा, तो 3/2 R के जगह पे 8.314 और ये टी के जगह पे टेम्परेचर तो हमेशा केल्विन में लेना है तो 300। अब जो भी वैल्यू आएगा ये तो जूल में आ जाएगा, है ना, क्योंकि आर टी का मतलब आर में क्या लगा हुआ होता है, जूल ना लगा हुआ होता है, तो ये जो भी वैल्यू आएगा वे किस में आ जाएगा, जूल में। अब अपना सॉल्यूशन करते रहना है, फिर जूल आर में भी बदल सकते हैं। एक रिलेशन दे देते हैं जो 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, तो अलग अलग यूनिट में आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो ये HW में आपको इतने प्रॉब्लम रहा, इतने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आंसर दिया हुआ है, और ये जो भी प्रॉब्लम हो फिर वही व्हाट्सएप के थ्रू आप बताएंगे जो कौन सा प्रॉब्लम आपसे नहीं बना, फिर मैं उसको सॉल्व करूंगा। बस आपने मेरे वीडियो को वॉच किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।